तो देखो, अभी हमने करे फॉस्फोरस के ऑक्साइड P4O6 P4O10 की संरचना हमने करी, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। पहला ऑक्साइड नाइट्रोजन का होता है N2O, वी ऑल्सो कॉल इट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल इट एज द लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, लाफिंग गैस। इसको लाइफिंग गैस एनेस्थीसिया में से बेहोशी करने में इसका यूज हम करते हैं, ठीक हो गया। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O, इसकी संरचना बनाएं। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें पहले तो अब N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इस N और O के बीच आपका बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका नाइट्रोजन की संरचना होती है। देखो, तीन इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, तो दो, और इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे, ओके, है ना। तो देखो, तो ये है आपका नाइट्रोजन का संरचना, नाइट्रोजन की संरचना। तीन इसने इलेक्ट्रॉन किए, है ना, 3 2 5। तो ये नाइट्रोजन का आपका संरचना सूत्र है। उसके बाद इसमें बेसिकली आपकी संरचना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस इसमें कुछ और क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे, उसको हम आगे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, अगला ऑक्साइड नाइट्रोजन का होता है, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड सेकेंड ऑक्साइड नाइट्रोजन का इसमें है आपका NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना कैसे बनाएंगे हम। नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना आपकी कुछ यू बनेगी, N डबल बॉन्ड O, ठीक है डियर, N डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, दो इसके साथ साझा कर लिए। नाइट्रोजन की 5 होती है आउटर मोस्ट में, 2 ये हो गए, 2 2 4, और एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में। तो देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड की हम दो प्रकार की संरचना बनाएंगे। ये संरचना तब बनेगी नाइट्रिक ऑक्साइड की, जब, सुनो अच्छे से, ये संरचना आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की तब बनेगी जब, सॉरी इसमें 2 2 4 2 6 2 8 इतनी रह गई, हाँ, ये संरचना नाइट्रिक ऑक्साइड की तब बनेगी जब ये गैसीय अवस्था में होगा, गैसी अवस्था में। तो गैसी अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना ये है। तो आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब देखो, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड में हमें इसमें यहां पे एक लोन, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो व्यवहार करता है वो करता है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कौन करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। किस केस में? गैसीय अवस्था में। तो क्वेश्चन आपका आता है कि नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? तो सीधा आपका आंसर देना कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कारण से नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। वी ऑल्सो कॉल इट द पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करता है इन द स्टेट ऑफ गैसेस। तो गैसेस स्टेट में यह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा, इसका द्रव और उस केस में लेंगे, तो इसमें हम दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे। कैसे? देखो, ऑक्सीजन लिया, इससे डबल बॉन्ड एन जुड़ा था, इसमें एक तो यहां पर लोन पेयर था, एक यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ एक दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड ऐड कर देंगे, N डबल बॉन्ड O। अब देख रहे हैं, इसका एक जो यहां पर अनपेयर्ड था उसका क्या बन गया, युग्म बन गया। अब यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो पेयर्ड हो गया, पेयर्ड होगा तो इस केस से क्या होगा, ये कब की संरचना है इसकी, जल या ठोस वाली संरचना है, जलीय अवस्था यानी द्रव और ठोस अवस्था की संरचना ये है इसकी, और गैसीय अवस्था की संरचना ये है। तो जल और ठोस अवस्था में जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसा व्यवहार शो करता है, प्रतिचुंबकीय मींस डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कब? जल और ठोस अवस्था में। कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं होंगे तो क्या, कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, प्रतिचुंबकीय का मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। अनुचुंबकीय का मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। यह थोड़ा इसमें डिफरेंस है। तो क्वेश्चन यहां पर बेसिकली बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और जलीय अवस्था में अनुचुंबकीय, ठोस और जल अवस्था में, द्रव अवस्था में प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्यों? आंसर,
क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है गैसीय अवस्था में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस कारण से अनुचुंबकीय व्यवहार, और ठोस और द्रव अवस्था में उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अनपेयर्ड नहीं रहता है, इस कारण से वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार शुरू करता है। क्वेश्चन इज क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दूसरा हम संरचना करेंगे NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी संरचना हम बनाएंगे। अब इसके भी हम दो प्रकार से, पहले इसकी संरचना बनाएंगे हम गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो देखो गैसीय अवस्था में क्या इसकी संरचना बनेगी, आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से इसको, N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O जुड़ जाता है इससे, NO2। अब यहां पर देखो दो इस पे इसको दिया, तो इसकी इसका एक लोन पेयर, सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आपका फिर से नाइट्रोजन के पास बच गया। देखो दो इसको दिए, दो इसको दिए, चार, और ये हो गया पांच। तो यहां पर फिर से गैसीय अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया। तो फिर से क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में कौन सा व्यवहार शो करेगा? अनुचुंबकीय। कौन सा व्यवहार शो करेगा? अनुचुंबकीय, मींस पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा, मींस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इसी की संरचना अगर हम ठोस या द्रव अवस्था की संरचना बनाए, ठोस या द्रव अवस्था की अगर संरचना बनाए, तो इसी के दो मोल के ले लो, ये होगा N डबल बॉन्ड O, O अनपेयर था, इसके साथ एक N और ले लिया आपने, एक NO2 और ले लिया, ये बना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बन गया। तो बन गया आपका NO2 की संरचना ठोस और द्रव अवस्था में। तो ठोस और द्रव अवस्था आप देख रहे हैं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब कौन सा बिहेवियर शो करेगा? ये प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व्यवहार, मींस डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हाई डज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शो पैरामैग्नेटिक करेक्टर इन गैसेस स्टेट एंड डायमैग्नेटिक करेक्टर इन द इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो आपका आंसर है कि गैसीय अवस्था में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय व्यवहार, और ठोस अवस्था में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकीय व्यवहार शो करता है। सिंपल सा आंसर है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये आता है, पक्का डेफिनेट लिख के ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा जो आपका इसमें पार्ट है NO2 के बाद आपका आता है N2O3। इसकी संरचना कैसे बनाओ? बेसिकली N2O3 क्या है आपका? कुछ नहीं है, NO2 और NO का मिक्सचर है। NO2 और NO को मिक्स कर दो, NO2 की संरचना कहाँ आपकी? ये है, और NO वो है, मिक्स कर दो, आपका बन गया। सिंपल सी बात है, पहले NO2 को लाते हैं, NO2 की संरचना बनाओ, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेगा O, यहाँ पर एक लोन पेयर था, फिर दूसरा NO वाला जोड़ो, NO के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड O, बन गया आपका। क्या बन गया भाई? N2O3 की संरचना बन गई। इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो कौन सा व्यवहार शो करेगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय। क्यों? सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगली संरचना इसमें बनेगी हमारी N2O4। ये सिंपल सी बात है, जो NO2 का डबल है, NO2 का डबल है, तो आपको NO2 की संरचना बनानी है। ये NO2 बना आपका, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बना, और यहां से फिर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ दूसरा आपने जोड़ दिया, ये बन गया आपका N2O4 की संरचना। ऐसे अगर आपको N2O5 की बनानी है, तो इसमें बीच में एक O और जुड़ जाता है, ये सारे के सारे डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की संरचना आपको इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ इन दो पार्ट से आपसे पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि इस केसेस में कैसा व्यवहार शो करता है, इस केसेस में कैसा व्यवहार शो करता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक काम और, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर आपका रिजोनेंट कहलाता है। रिजोनेंट स्ट्रक्चर में इसमें ये बॉन्ड डिसलोकेट होता रहेगा, देखो ये डबल बॉन्ड नीचे आएगा तो ये क्या आएगा यहाँ पर आपका ऊपर आ जाएगा, एन ये डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, रिजोनेंट स्ट्रक्चर। ऐसी रिजोनेंट स्ट्रक्चर आपका इस केस में भी होगा, ये यहाँ भी आप बना सकते हैं सेम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड जो अभी आज हमने इस लेक्चर में किए हैं। इसमें से बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी संरचनाएं बनाना, संरचना के साथ साथ किस केस में अनुचुंबकीय और किस केस में प्रतिचुंबकीय व्यवहार शो करता है, तो क्यों करता है,
ठीक है। तो आगे के लिए भी आपके क्वेश्चन बनने हैं कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय व्यवहार कब शो करता है, जब अनुचुंबकीय तब शो करेगा, जब उसमें क्या रहेगा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उसमें रहेगा आपका एटम में या मॉलिक्यूल में रहेगा तो उससे क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होगा, मीन्स पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा, मीन्स अनुचुंबकीय करेक्टर शो करेगा। अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होगा, मीन्स डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय व्यवहार शो करता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग संरचना वगैरह वगैरह सारा बनाओ। ठीक है, यहीं से इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, सो